भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेशाध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा के आदेशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी हिसार द्वारा केंद्र व प्रदेश की गलत नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पूर्व सांसद पंडित रामजी लाल के नेतृत्व में जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और भाजपा सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के मुख्य मीडिया प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ देश में प्रदेश के अंदर जो भयंकर बेरोजगारी फैली हुई है, व्यापार में दो खत्म हो चुके हैं, किसानों की फसल खरीदी नहीं जा रही, किसानों को फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे, उसके विरोध के अंदर आज यहाँ हिसार के अंदर प्रदर्शन किया हुआ है। पूरे हरियाणा के अंदर बहन कुमारी शैलजा जो हमारी प्रदेशाध्यक्ष है उनके नेतृत्व के अंदर प्रदेश के हर कोने के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं और 24 तारीख तक प्रदर्शन चलेगा। 25 तारीख को राज्य स्तरीय सम्मेलन करके प्रदर्शन रिवाड़ी में किया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली के अंदर किया जाएगा, जिसके अंदर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रदेशाध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी, हुड्डा जी, सारे नेता उस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जब तक भाजपा सरकार ने जो वायदे किए थे 2014 के अंदर, 5 साल पहले वायदे किए थे 154 वायदे, एक भी भाजपा सरकार ने पूरा नहीं किया और 228 वायदे और किए हैं। सरकार ने वायदा किया था कि हमारी सरकार आपकी पहली कलम से किसानों को कर्जे माफ करेंगे, 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे, प्रदेश में व्यापार में धोखा बढ़ाया जाएगा, बेरोजगारी खत्म की जाएगी, एक भी फैसला, आज एक महीना होगा, एक भी फैसला भाजपा सरकार या हरियाणा सरकार ने नहीं लिया। हमारी सरकार से एक ही मांग है, सरकार ने जो अपना खुद का घोषणा पत्र डाले, जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे करे। अगर सरकार वायदे पूरी नहीं करेगी, बेरोजगारी खत्म नहीं करेगी, किसान की फसल नहीं खरीदेगी, किसान को फसल के उचित दाम नहीं देगी, देश में प्रदेश में व्यापार में धोखा को बढ़ावा नहीं देगी, बेरोजगारी खत्म नहीं करेगी, तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन इसी प्रकार हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर हमारा जारी रहेगा। इसको हमारा पंचकूला से लेके गुड़गांव तक, डवाली से लेके फरीदाबाद तक हमारा प्रदर्शन जारी है। पूरे पूरे हरियाणा के हर जिले के ऊपर मुख्यालय में हमारा प्रदर्शन हो रहा है। डेली एक दिन तो 3-3 जगह प्रदर्शन हमारे हो रहे हैं, आज जिसके तहत हिसार के अंदर प्रदर्शन है और इसी प्रकार आगे और रूपरेखा बनाएंगे। हम जल्दी ही कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान भी जारी अभियान शुरू करने जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर हर आदमी को, हर महिला को, हर युवा को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और हर एक कांग्रेस के साथियों को मान सम्मान कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे दिए जाएंगे। अपन डीसी साहब को दिया है, डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है और आपके सामने ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा है भी हम ये राष्ट्रपति के यहाँ पहुंचा देंगे, जो आपकी मांग है हम उसको रिकमेंड करके देंगे।